मिले इतनी खुशी के नाच उठो तुम, जीवन में जितने भी दुख हो जाएं सभी गुम, उम्मीदों की छटा फिर छाई, भेंट करती हूँ तुम्हें नव वर्ष की बधाई। आशा है ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और खूबसूरत सा समय लेकर आए, लेकिन ढेर सारी खुशियाँ और खूबसूरत सा समय तब आएगा जब आप इस साल की शुरुआत खूबसूरत तरीके से करेंगे, और वो खूबसूरत तरीका क्या है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहना। वैसे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एंजॉय करने का हम सबका अलग अलग तरीका होता है। न्यू ईयर पर बहुत सारे लोग जश्न मनाते हैं, डीजे पार्टी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं और भी अलग अलग तरीके से एंजॉय करते हैं। पर फ्रेंड्स आप जिस भी तरीके से एंजॉय करते हैं करिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो तरीके बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरीके से अपने न्यू ईयर की शुरुआत करेंगे तो आपके न्यू ईयर के 365 दिन, 8,765 घंटे और 5,02,05,600 मिनट को आप खूबसूरत बना पाएंगे। तरीके बताने वाली हूँ जिनमें से कुछ तरीकों को आप अपना कर अपने न्यू ईयर को बेस्ट न्यू ईयर बना सकते हैं। तो आखिर वो कौन से तरीके, तो फ्रेंड्स मैं शुरू करती हूँ। पहला तरीका क्या है, नए साल की शुरुआत अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से करें। नंबर दो, कुछ समय भगवान के ध्यान में बैठें। नंबर तीन, मंदिर गुरुद्वारा चर्च जाकर अपने इस साल की शुरुआत के लिए प्रे करें और भगवान की ब्लेसिंग्स लें। नंबर चार, किसी भूखे को खाना खिलाएं। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो इसके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। नंबर पाँच, किसी जरूरतमंद की हेल्प करें। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो एक अलग तरीके की फीलिंग होती है, एक मन के अंदर सेटिस्फिकेशन होता है। कुछ दान पुण्य करें। दान पुण्य करने से हमारे धन की और भी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। नंबर सात, 2022 में जो भी हमने गलतियां करी हैं वो गलतियां 2023 में हमें बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। नंबर आठ, पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। नंबर नौ, 2022 में जो भी कुछ आपके साथ गलत हुआ है जिसे सोचकर आप बार बार परेशान होते हो, कुछ ऐसे पल जिनके बारे में जब भी आप सोचते हो तो दुखी हो जाते हो, उनको एक ताले में बंद करके चाबी समुद्र में फेंक दे ताकि उनकी आपको फिर से कभी याद ना आए। नंबर 10, सुबह सुबह उठकर अपने नए साल के लिए जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए अफर्मेशंस करें, विजुलाइज करें। तो फ्रेंड्स ये 10 ऐसे तरीके हैं जिनमें से आप कुछ तरीकों को अपनाकर नए साल की शुरुआत करेंगे तो आपका पूरा साल एक बेहतर साल बनेगा। फ्रेंड्स मैं जानती हूँ आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब बेकार की बात है, ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इन सवालों के जवाब अभी मैं आपको देती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके घर में, परिवार में, रिलेटिव में या आस पड़ोस में कोई भी खुशी का पल होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होना, न्यू घर में प्रवेश करना, गाड़ी लेना या किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना, बहुत सारे नए काम होते हैं। जब हम इन नए कामों की शुरुआत करते हैं तो नए काम की शुरुआत करने से पहले हम अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि भगवान के साथ साथ हमें उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद भी मिले और हम अपने नए काम में सफलता हासिल करें। तो फ्रेंड्स जब आप कुछ ऐसे काम करते हो जिससे दूसरों का भला हो, आप किसी की हेल्प करते हो या कुछ नेक काम करते हो, तो आपके मन को बहुत सुकून मिलता है और इसी सुकून के साथ में नए साल की शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा साल एक बेहतर साल बनेगा और इस साल के अंदर आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस करें, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।